Hello guys, welcome back to our channel Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on Pitaji Got Talent by BB Ki Vines. Yes, तो पिताजी को क्या टैलेंट मिलता है देखते हैं ये वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, हम तीनों के लिए चाय बना दोगी? कितने कप? 16। अरे तीन लोग हैं तो 3 कप ही तो बनाओगी मम्मी। एक मेरे लिए भी। भुवन बेटा, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सुन, मैं कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, बस पीठ में थोड़ा दर्द है। मेरे भी। अच्छा सुन, कुछ लगाओगे पीठ पे? हाँ हाँ। साइलेंट सन्नाटा। बोल रहा तो कुछ कह ले। एग्जैक्टली क्या लगाओगे? चाटा। चुप कर जा। बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ। मुझे वो हम निकलते हैं फिर आप दोनों कर लो बात। मुंह पे उंगली रख। बेटा तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज के दिन। अच्छा। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ ना पापा। गोटे में तो पहले से था। नहीं, मेरा मतलब बहुत किस्से सुनाई है ना। हाँ, मैं बहुत मुश्किलों से कॉलेज पहुंचता था, पुलिस बैरिकेड और किले टाप के। दिल्ली बॉर्डर पे था कॉलेज। ना कॉलेज में हमारी एक 5 लोगों की संगीत मंडली हुआ करती थी। उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो तबला बजाता था, एक दोस्त सारंगी बजाता था। और आप क्या बजाते थे? तालियां। तालियां? कुछ भी मत बको, मैं प्रोग्राम का आयोजन करवाता था। अच्छा, कुर्सियां लगाते थे। तू फिर बोला मुंह पे उंगली रख। बेटा मैंने जीवन में कुछ खास नहीं किया, सब दोस्त मुझसे बहुत होशियार थे पढ़ाई में, खेल कूद में। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। कॉलेज के दिनों से ही मुझे कुछ बड़ा करना था। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस हाँ, बड़ा हुआ तभी तो भुवन आया। Oh my God. क्या मतलब? कुछ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये देख टीवी पे एक नया शो आने वाला है, पिताजी गॉट टैलेंट। हर खंबे पे इश्तेहार लगा है, इंडियंस गॉट टैलेंट की जैसे। हर बाप को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आप पार्टिसिपेट करोगे? तो हम चारों में से बाप कौन है? बेटा बताओ। लेकिन आप में क्या टैलेंट है पापा? अरे मैंने कॉलेज में 2 साल वो भी किया है, वो ड्रामा करने को क्या कहते हैं, रंडी रोना करना। थिएटर। हाँ, थिएटर। अरे वाह, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी पीढ़ी ने आज तक नाटक कहाँ देखा है? न्यूज चैनल देखते हो? तुम लोगों के लिए मनोरंजन तो वही होता है, वो 15 सेकंड का टै 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 टै। इनको कुछ करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है, टाइटैनिक वाला सीन करते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अरे बड़ा बदतमीज़ ही। शोले वाला करते हैं, शोले वाला। हम कब किए बे? मैं गब्बर, आप वीरू, तू बसंती, मैं सांबा। अरे सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। एनकाउंटर का बोले हैं, जहाँ दिखे हुक्कड़ में गोली। ए छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको। अच्छा। नाचती हूँ बसंते, कुत्तों के सामने मत नाचना। परफेक्ट धर्मेंद्र वॉइस। कब तक कैंट का पानी बेचूंगी? तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी भारेगी, आंखें भारेगी, कांच पे नचेगी, खून निकलेगी, चलेगी, आओ 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 करेगी। ना पौवे का ठिकाना है, ना टट्टी का। खर्चा कहाँ से करूंगा तेरी मटर पट्टी का? क्या कर रही हो ये? क्यों गलत किया? रहने देते हैं। गाना भी गा सकता हूँ, रहाने जैसे। पापा रहाने जैसे क्रिकेटर है। हाँ, चर्चा में तो दोनों ही आजकल। अच्छा सुनो यार, तुम लोग ऐसे मत देखो, घबराहट होती है। ठीक है, मत देखो भाई, गाओ। कब से है दिल में मेरे अरमा कहीं अनकहे, इनको देख फिर निहार रहा है। निहार नहीं रहा हूँ, घूर रहा हूँ। बहुत भैया कर पापा, बहुत भेंडी सी आवाज है। हाँ, जैसे तुम्हारे कान से तो फूल झड़ते हैं। क्या कंठ? ओ तुझे पता था? अंकल मेरे साथ गाओ। सानी ढापा सानी ढापा, क्या रंडापा मागारे मागारे, पारे 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 पारे। कुछ और कर सकते हो? वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ। मत करो, दिक्कत हो जाती है आजकल। एक सेकंड मम्मी, सुनाओ कुछ। एक आदमी ने अपने पैरों पे घड़ी बांधना शुरू कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ चलना चाहता था। ऐसे जोक मारोगे? तू नहीं हंसा, लेकिन तेरी माँ को कल यही जोक सुनाया था, बहुत हंसी थी वो। अच्छा मम्मी, काला कुत्ता भाव भाव हर चीज पर हंस देती है वो। खाना बना सकता हूँ। इधर देख के बोलना जरा। क्यों बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी कल? तूने भी तो खाई थी। हमने तो नहीं खाया। हमें लगा कढ़ाई में चूहे ने हक दिया वो बैंगन। रहने दो, बेइज्जती करवा लोगे वहाँ जाकर। तुम चुप रहो यार, अनमोटिवेट मत करो मुझे। देख बेटा, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ओके अंकल, डीमोटिवेट। बेटा इंग्लिश इज सिंपल एंड फाइन, जस्ट पुट Although and perhaps before every line। मैं मुंह से कई आवाजें भी निकाल लेता हूँ। कभी प्लेन सर के ऊपर से निकला है, ये देख। हमारे डेली निकलता है यहाँ पे। अरे भाई वैसे तो मैं अमिताभ की आवाज में बात कर सकता हूँ। और चाहिए तो मैं फरहंग की तरह भी बोल सकता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है उनकी आवाज बड़ी काबिले तारीफ है भाई। पापा, मैं तेरी एक आवाज पे पाप भी मार सकता हूँ। बोल के तो देख। मैं नहीं बोल रहा। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया था मैंने। 35 किलोमीटर रोज पहाड़ चढ़ के। पादो अंकल, पादो अंकल, पादो। एक और बात, गैस नहीं बन रही। इनो लेके आना जरा। समझ गया, आप में टैलेंट है, लेकिन आप नहीं जा सकते पिताजी गॉट टैलेंट में। क्यों? इसमें लिखा है कि कंटेस्टेंट के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। बेटा तू उस दिन कह नहीं रहा था कि पापा मैं अकेला पड़ गया हूँ थोड़ा, तो क्या देख रहे हो? अकेला पड़ गया हूँ का मतलब था कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था। नहीं आदमी, क्या बोल रहे हो पापा? सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है तुम्हारी। भटूरे फूल आएंगे इस उम्र में, ये सब करना है इस आदमी को। पर मुझे अपना हुनर दिखाना है। अरे तो क्या बिस्तर से शुरू करोगे? क्या सोचते रहते हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। आंटी चाय। अरे चुप। ये लोग अलग टेंशन में हैं। ओह माय गॉड, बीबी की वाइन्स, क्या था ये? पिताजी गॉट टैलेंट। बट पिताजी को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए था। क्या मोटिवेट करे? अभी इसको 2 बच्चे होना चाहिए। अभी मोटिवेट करने के चक्कर में कुछ और अलग कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। टैलेंट है तो शोकेस तो करना चाहिए। क्या टैलेंट? लास्ट वाला टैलेंट क्या दिखा रहा था? गैस में ही बन रही है, इनो लेके आओ। लेकिन मुझे उनका मिमिक्री बहुत अच्छा लगा, ये टैलेंट था। क्योंकि ये अमिताभ बच्चन के आवाज में, फिर फरहान के आवाज में सब बात कर रहे थे, तो वो अच्छा लगा। बाकी का नाना बटर की आवाज में, बाकी का वो टैलेंट नहीं कहलाता। लेकिन अच्छा था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। हाँ, मजेदार। कुछ चीजों है कि जो अभी लाइव चल रहा है न्यूज वगैरह में, वो सब पिक करके और यही सब, मतलब सब कुछ लेकर के एक लग रहा है रिसेंटली बना है। हाँ, राइट है। शूटिंग ऐसे हम लोग सोचे थे कि पुराना, बहुत टाइम से शूटिंग कर रहे थे, बट अच्छा कि ये बहुत जल्दी है। हाँ, ये 2-3 दिन के अंदर का ही शूटिंग है पूरा। हाँ, रिसेंट ही है। हाँ, लग रहा था, देख के भी लग रहा था। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो बहुत वेराइटी देखने को मिला। बहुत सारे फ्लेवरफुल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा मम्मी और बच्चे, ऐसा नहीं है। चाचा, फिर चाचा का बेटा, फिर एक है रैपर काइंड ऑफ जो गॉगल्स पहन के दांत उसका निकला हुआ था। सारे के सारे, मतलब सब कैरेक्टर में एक टच था, फैमिली का पार्ट है, एक टच था। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा रियली। मतलब बीबी के वाइन्स तो ऐसे ही नहीं बने, ये एक नाम है, एक क्या बोलते हैं, मतलब ब्रांड है ये यूट्यूब का। तो इनसे यही उम्मीद था हमें, मतलब एकदम तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस। जो भी ह्यूमर सेंस वगैरह था ना, सारा मस्त था। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, एक बंदा सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको उसी में। हाँ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसीलिए क्योंकि कौन से बात के बाद कौन से बात बोलना है, वैसा टाइप का कैरेक्टर में आ जाना होगा। स्क्रिप्ट भी लिखना है सारा, और सारा शूटिंग तो डिफरेंट है, उसको सबको एक साथ डाल करके मिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। करने से पहले ना, क्या है ना, मतलब तुम्हें ऐसा टाइप का सोचना भी होगा कि मुझे ऐसे कैरेक्टर में भी ढाल जाना है, मतलब पापा का मेरे नेक्स्ट डायलॉग ये है तो मुझे ऐसा बोलना है। तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मतलब हम हर मतलब ऐसे टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर हैं हर को मतलब सल्यूट देते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद उसको मर्ज करना, एडिट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट बीबी के वाइन्स थिंग इज इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ फेशियल एक्सप्रेशन जो भी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन है, वो बहुत मेंटेन करके रखता है। हर वीडियो में हम लोग बहुत सारा वीडियो देखे थे जिसमें हर कैरेक्टर में डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए और सबको अच्छे से मेंटेन करके रखें, वो बहुत पसंद है। और इसमें भी डायलॉग को लोग जितना भी था, जो भी स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट बहुत काफी यूनिक टाइप का था। और मुझे तो वो लगा मस्त वो पोस्टर जो लेके आया गया पिताजी गॉट टैलेंट, वो इंडियन गॉट टैलेंट का ही वो रिप्लेसमेंट है, पिताजी से अच्छा था। एंड तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया भाई, इतने सारे कैरेक्टर्स में से? पिताजी, ज्यादा मिमिक्री तो पिताजी का ही था, ओके। नहीं, मुझे सबसे अच्छा लगा जो रैपर एक था ना बंदा जिसका दांत निकला हुआ था, वो हर बात में गाली दे रहा था, मतलब चुप हो जा, रुक जा, तो बोल रहा था ना, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इट्स टू गुड, मन खुश हो गया यार, इतना ऑफिस के बाद हेक्टिक टाइम के बाद ऐसे टाइप का वीडियो देख के आप लोगों के साथ हमारा रिएक्शन शेयर करके ना मन खुश हो जाता है डेफिनेटली। तो ये रहा आज का वीडियो, हम लोग होप करते हैं आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास कोई सजेशन है बीबी के वाइन्स के ऊपर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, हम ज़रूर रिएक्शन देंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलिए। एंड ये वीडियो पे लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।